A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम करेंगे ऑप्टिक्स पार्ट टू. पार्ट वन आपके लिए अपलोड हो चुका है. ये आपके सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है, प्लस एनडीए और एफकेट के लिए भी. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. ये आपको आपकी यूनिफॉर्म के पास पहुंचाएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. अब देखिए, हमने जब अपना पार्ट वन छोड़ा था तो हमने रिफ्रैक्शन पे छोड़ा था. इस टॉपिक पे हमने छोड़ा था रिफ्रैक्शन पे. बट मेरा मानना है कि रिफ्रैक्शन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. देखिए, आपने ये देखा होगा ग्लास, अगर आप उसमें सिक्का डाल दो तो आपको इस तरह दिखता है कुछ, ठीक है. इसका रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन. सिक्का आपने डाला, आपकी आंख यहां पर है, ठीक है. आपकी आंख ने इसे यहां से देखा, आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा. ये रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन, ठीक. अब रिफ्रैक्शन दिखता कैसे है? प्रैक्टिकल वे में या टेक्निकल भाषा में हम कहें तो क्या होगा? देखिए, अगर मान लो यहां पर ये आपकी आई है, ठीक है, ये यहां पर, इस बार समझ लो यहां पर कुछ और है. आई आई मत रखो, क्योंकि यहां पर हमारी इंसिडेंट रे है. तो यहां पर हमने रख लिया कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉल है, ठीक है. अब जो एयर होता है वो रेयर मीडियम होता है. रेयर मीडियम क्या होता है? इसमें डेंसिटी कम होती है. डेंसिटी कम मतलब वहां पर भीड़ कम है. पानी में आप अगर हाथ डालोगे तो आपको पानी को पुश करने में ज्यादा मेहनत लगती है, जबकि एयर को आप डालोगे तो आपको कम प्रेशर महसूस होगा अगर आप हवा में हाथ हिलाओगे तो. तो जिसमें कम ताकत लग रही है वो है रेयर, और जिसमें ज्यादा ताकत लग रही है वो डेंसिटी. ये लेमेन भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि रेयर और डेंस मीडियम क्या होता है, ठीक है. डेंसिटी की अलग से भाषा परिभाषा होती है, बट लेमेन लैंग्वेज के लिए आप ये समझ लीजिए. अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बॉल, और आपकी आंख है यहां पर अब पानी के अंदर, ठीक है. आप पानी से देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब हवा मतलब एयर से उसकी जो बॉल है, उसकी लाइट, बॉल से जो बॉल दिख रही है ना, उसकी इमेज आ रही है नीचे, तो वो एक एंगल बनाएगी नॉर्मल से. ये नॉर्मल है, यहां पर वो हो गया इंसिडेंट एंगल. उसके बाद क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी किसी एंगल पे जब अंदर जाएगी, तो वो जो चीज दिखेगी वो उसको किसी दूसरी जगह पे दिखेगी. मतलब बॉल अब यहां दिखेगी, समझ रहे हैं आप, थोड़ा रिफ्रैक्टेड दिखती है. क्यों? क्योंकि जो मीडियम होता है वो चेंज हो गया है. पहले आप एयर में थे, अब आप डेंसर में आ गए. अगर आप एयर से बॉल को देखो, ये आपकी आईज है, तो आपको सीधी दिखेगी, पर क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो वहां पर पोजिशन भी बदल जाएगी देखने की. वो आपको लगेगा कि वो वहां पर है, पर वो वहां पर नहीं होगा. चलिए फटाफट चलते हैं आगे. अब आते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल पे, जिससे हमने शुरुआत की थी, जिसको हमने छोड़ा था अपनी पहली वाली वीडियो था, वो था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज और सनसेट. अब देखिए, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बहुत, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मुश्किल है थोड़ा समझने में, प्लस थोड़ा ट्रिकी भी है. तो फटाफट आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये स्टार है यूनिवर्स में कहीं, ठीक है, और ये हमारा जो ब्लू रंग का आपको देख रहे हो वो है पूरा एटमॉस्फेयर. अब इसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं, रेयर, डेंस, अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है. यहाँ पर रेयर है तो यहाँ डेंस है, फिर यहाँ रेयर है, फिर यहाँ डेंस है, तो अलग अलग होती हैं. तो जब वैक्यूम, मतलब यूनिवर्स तो वैक्यूम होता है, यहां से जब लाइट जाती है तब तक तो स्ट्रेट आती है, फिर जब हमारे यूनिवर्स में आती है तो कहीं रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं कैसा है, तो वैसे लाइट हमारे पास पहुंचती है. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? रिफ्रैक्शन का आपके लिए एग्जाम्पल हुआ, ठीक है. अब हम चलते हैं आगे. अपना एग्जाम्पल अगला सनराइज और सनसेट. देखिए, ये कहा जाता है और ये बात सच भी है कि जो सनराइज होता है वो हमको 2 मिनट पहले दिख जाता है, और जो सनसेट होता है वो हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ऐसे होगा. देखिए, ये है हमारी एक एक्चुअल पिक्चर. इसमें क्या होता है, एक बात और आपने नोटिस की होगी, जब सूरज उदय हो रहा होता है तो जो सन होता है आपको रेड दिखता है, रेड या ऑरेंज टाइप का, या सनसेट हो रहा है तो भी रेड या ऑरेंज टाइप का दिखता है. इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये लाइट, ये जो रेनबो टाइप का दिख रहा है ना, ये लाइट जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, अगर मैं इसे व्हाइट लाइट कहूं, तो अगर उसे हम प्रिज्म में भेजें तो वो इन 7 रंगों में टूट जाएगी, जिसे हम कहते हैं वेवगियर, VIBGYOR, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है. ये है वेवगियर. व्हाइट लाइट को अगर हम तोड़ेंगे तो वो 7 रंग में टूट जाएगी. व्हाइट लाइट कहां से मिलती है हमें? सनलाइट से मिलती है, ठीक है. तो वो 7 रंग में टूट जाती है. अब देखिए, वहां पर भी ऐसे ही होता है, जब व्हाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वो सूरज उगते वक्त और सूरज ढलते वक्त, ये 3 लाइट मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इनको ना काट देती है, मतलब ये पहुंच नहीं पाती. सिर्फ पहुंचती कौन सी है? रेड, ऑरेंज, येलो, जिसकी वजह से आपको जो सूर्य उदय होता है या सूर्य सनसेट होता है वो आपको रेड कलर का दिखता है या ऑरेंज कलर का दिखता है. अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इसमें होता क्या है.
जब सनराइज होता है, मैं जरा थोड़ा पेज को क्लीन करता हूं, जब सूरज यहां होता है तो फॉर एग्जांपल ये तो थोड़ा पास है, अगर मैं सूरज को और दूर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, दिस इज सन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आधी दुनिया में दिन होता है तो आधी दुनिया में रात होता है, तो जब सूरज इस फेस के सामने है तो यहां पर दिन हो रहा है, और जब इस फेस के सामने है तो यहां रात होने जा रही है, ठीक है। अब आप अपने आप ही अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ कि इसके बीच में डिस्टेंस कुछ कम है, कुछ डी नाम की डिस्टेंस है, और यहां पर जो आदमी बैठा है उसकी उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर आपको डिस्टेंस अगर मैं बोलूं डी वन है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है। अब पहली बात तो यहां पर सनलाइट को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, अगर सन यहां पर है तो यहां से सन को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब उसको ट्रैवल करना पड़ता है तो कुछ लाइटों की कुछ विशेषताएं होती है, जिसे हम कहते हैं विशेषताओं को वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखिए वेवलेंथ को मान के चलो पेट्रोल होता है एक टाइप का, ये जो लाइट्स होती हैं इनके लिए पेट्रोल होता है वेवलेंथ। पेट्रोल कैसे, मान लो जैसे आपकी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल है तो वो कुछ देर तक चलेगी, पर आपके पास 6 लीटर पेट्रोल है तो वो लंबी चलेगी। सेम यही जो वॉलेट इंडिगो ब्लू होते हैं इनके पास कम पेट्रोल होता है, ठीक है। जो रेड होता है उसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोल होता है, उसके बाद ऑरेंज के पास, उसके बाद येलो के पास, उसके बाद ग्रीन के पास, ठीक। तो जब इतनी दूरी वो तय कर रही होती है लाइटें, जरा मैं थोड़ा क्लीन करता हूं आपके लिए, ठीक है। ये देखो, अरे सन भी मिट गया, हाँ ये था सन, हाँ। तो जब सन से इतनी दूरी कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो ब्लू इंडिगो ग्रीन इन सब का पेट्रोल खत्म हो जाता है और खाली बचती हैं, कौन सी कलर है बचती हैं, सिर्फ ये रेड ऑरेंज एंड येलो, ठीक। ये एक रीजन हुआ कि सनराइज जो होता है आपको रेड ऑरेंज और येलो फॉर्म में या मिक्स कलर में आपको क्यों दिखता है। दूसरा एक रीजन ये भी है, एक और रीजन है कि वो आपको क्यों ऐसा दिखता है। देखिए यहां पर एक अच्छी इमेज मुझे मिल गई, मैंने कहा मैंने लगाई तो थी, मिल क्यों नहीं रही, हाँ। अब यहां पर आप जा रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है। यहां देख लो अर्थ का एटमॉस्फेयर सन के लिए, इस रोशनी के लिए यहीं से शुरू हो जाता है इतनी दूरी से, जबकि अर्थ जब सन सामने होता है तो उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, जिसको उससे मतलब टैकल करना पड़ता है। तो जब सन की रेज यहां मतलब देख रहे हैं ग्राउंड पे जा रही है, पहले ग्राउंड की तरफ से टच हो रही है ना, राइट, सतह को टच कर रही है, तो वहां पर बहुत डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, आपने देखा भी होगा चाहे झाड़ू लगाए कुछ लगे तो धूल आसमान में नहीं उड़ती, वो थोड़ी सी सतह से ऊपर रहती है बस, ठीक। तो जब वो सन रेज इन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देती है, मतलब आप ये समझ के देखिए, आम शब्दों में कहूं तो जो रेड लाइट होती है वो हल्की तरह होती है कि सामने कोई भी डस्ट पार्टिकल आए उसको तोड़ के मतलब उसको हटाकर वहां से वो हम तक पहुंच जाती है, बट जो ब्लू लाइट है या इंडिगो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे ही वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो दो रीजन हुए कि जो सन की रेज होती है, जो सनसेट होता है या सन राइज होता है वो हमें रेड या ग्रीन क्यों दिखता है। पहली हुई वेवलेंथ, जिसे हम आम भाषा में बोले तो पेट्रोल हो गया, कि पेट्रोल सबसे ज्यादा रेड ग्रीन येलो के पास होता है और इनके इन बाकी लाइटों के पास कम होता है। दूसरी बात होती है कि स्कैटरिंग, जो ब्लू लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है, जबकि रेड लाइट स्कैटर नहीं करती, वो डस्ट पार्टिकल कुछ भी आ जाए उन सबको पीछे छोड़ के धक्का मार के आगे बढ़ जाती है, ठीक। ये दो मेन रीजन हुए। अब चलते हैं आगे, अब हम अपने अगले फिनोमेना के पास आएंगे, उसका नाम है इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो आप अगर हाईवे पे गए हो तो आपको ऐसी इमेज जरूर दिखती होगी, ठीक है भाई, आपको लगता होगा सामने पानी पड़ा, पर पानी होता नहीं है जब आप उसके पास जाते हो, ठीक। और इसका रीजन है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम आते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे। देखिए यहां पर आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक। अब मान के चलो वाटर जो कि डेंसर मीडियम है, मैंने आपको बताया था, और जो एयर जो कि रेयर मीडियम है, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो कुछ एंगल बनाती है, आपको हमने पहले ही बताया, ठीक है, वो अपने हिसाब से डेविएट हो जाती है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखती। बट
अगर इंसिडेंट लाइट एक ऐसा एंगल बना ले जो कि रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के पैरेलली जाए और नॉर्मल के 90 डिग्री पे जाए, तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अच्छा उससे क्या होता है, मतलब अगर हल्का सा एंगल हम और बढ़ा दें तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये वापस रिफ्लेक्ट अंदर हो जाएगी। जो अब तक रिफ्रैक्टेड हो रही थी वो अब रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, कहां, अंदर की तरफ। ऐसे दोबारा बताता हूं अगर समझ में नहीं आया तो, देखो ध्यान से देखो, फटाफट बोलूंगा। इंसिडेंट रे थी वो ऐसे जा रही थी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी। फिर वहां पर क्रिटिकल एंगल की बात है, क्रिटिकल एंगल में क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरल हो गई इस सरफेस के, मतलब वाटर की सरफेस पे, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गई क्रिटिकल एंगल के। बट जैसे ही हमने हल्का सा एंगल बढ़ाया तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे बन गई। पहले थी वो रिफ्रैक्टेड रे, यहां देख रहे हो ए आ रहा है, यहां आ रहा है ई, तो रिफ्लेक्टेड से रिफ्लेक्टेड रे बन गई और जो सन जो रेज थी वो वापस अंदर की तरफ ही चली गई। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब एक आगे चलने से एक छोटी सी बात, पहले जो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हमेशा डेंसर से रेयर के मीडियम में होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में कभी नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं, डेंसर से रेयर मीडियम में होगा पर रेयर से डेंसर मीडियम में नहीं होगा। जो इंसिडेंट रे होती होगी वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, ना कि रेयर मीडियम से। ये वाटर क्या है, डेंसर, यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, कहां जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं यहां पर हमारे इस एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल को कहते हैं हम मिराज। जो आपने अभी ये देखा, ये जो चीज बन रही है, इसे हम कहते हैं मिराज। मिराज होता कैसे, मान लो कोई पौधा है रेगिस्तान में, ठीक है, वहां पर हमें उसकी इमेज उल्टी दिखती है सड़क पर, क्यों, हमें लगता है यहां पर पानी है और पानी में उसकी इमेज दिख रही है, पर पानी वहां होता नहीं है, तो वहां पानी क्यों नहीं होता है और वहां पर ये छलावा जो होता है हमें कैसे दिखता है, वो हम बताते हैं। जमीन की तरफ हॉट एयर होती है और हॉट एयर को साइंस ने कहा है वो रेयर मीडियम होती है। जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो समझ लें, इसे रेयर मीडियम कहते हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और जो कूलर एयर होती है उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ये कोई चीज है, ठीक है, आप इसकी जब लाइट, खुद की एक इमेज होती है ना, मतलब रेड ग्रीन येलो जो भी है, इसकी रेड ग्रीन लाइट जो भी जमीन पे जाएगी, मतलब हॉट एयर की तरफ जाएगी, तो रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, वहां से वापस वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों पे लगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो चीज है ये उल्टी दिख रही है, और इसी चीज को हम कहते हैं मिराज। चलिए आगे चलते हैं। अब मिराज जैसी चीजें, जैसे मैं कहूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके कई एग्जांपल और हैं। पहला तो हो गया ये सड़क पे जो आपको मिराज दिख रहा है। दूसरा होता है डायमंड। डायमंड जो आपको चमकता हुआ बार बार दिखता रहता है, उसकी रीजन ये होती है क्योंकि उसमें एक बार जब लाइट जाती है तो वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती रहती है, बार 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 बार। तो जब वो फाइनली आती है तो आपकी आंखों पे लगती है, तो आपको चमक सी दिखती है वहां पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर की एक इमेज है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक वायर फॉर्म में होता है, ठीक है, एक वायर फॉर्म में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट को हम सेंड करते हैं एज ए ट्रांसमिशन के लिए, और वो बार बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और सिग्नल भेजती है, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके आजकल वाईफाई में भी इस्तेमाल होता है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज है एंडोस्कोपी। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है जहां पर हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, या हम कहें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और ये आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो थ्रोट है, यहां से एक आपको पाइप दिख रहा होगा ना ये वाला, ठीक है, ये एक वायर इंसान के शरीर में भेजा जाता है, और दूसरा ये यहां पर आप देख रहे हो यहां पर एक वायर जा रहा है और ये यहां से उसके नीचे से डाल के ऊपर भेजा जा रहा है टू सी इंटेस्टाइन। अब ये भेजा इसलिए जाता है टू सी कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, वहां पर कैसी इमेज चल रही है, और ये यूज किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा। इसलिए यहां पर पूछा जाता है कि एंडोस्कोपी में कौन से फिनोमेना का इस्तेमाल किया जाता है टू सी इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, ये हमने सब देख लिए कुछ एग्जाम्पल, ये आपको पता होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल था मिराज। मिराज क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डायमंड।
तीसरा एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर जो आपके आजकल वाईफाई में भी इस्तेमाल होता है, और तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल है एंडोस्कोपी। तो ये होता है हमारे वीडियो को एंड, जय हिंद। अब आएंगे हम अपने अगले टॉपिक के साथ जो कि होगा कॉन्टैक्ट मतलब टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।